शापित हुई थी अहल्या, पत्थर हो गई, शिला हो गई। अपने जब छोड़ देते हैं तब भी तो व्यक्ति शिलावत हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, अभी व्यक्ति उनके पास नहीं रहती। ऐसी ही वर्षों वर्षों युगों युगों तक पाषाणी ने कल्याणी बनने की कामना के साथ प्रभु की प्रतीक्षा की। ये भारत देश है। अगर मैं पुराने युग की बात करूं तो वहां अहल्या ही शापित हुई। इंद्र को क्यों शापित नहीं किया गया? बलात्कारी निंदा का पात्र होना चाहिए, ना कि बलात्कार जिसके साथ हुआ वो निंदा की पात्र होनी चाहिए। मेरे देश की देवियां जब बलात्कार की शिकार होती हैं, अधिकांश लड़कियां ऐसी हैं जो आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती, समाज उनको अच्छी नजरों से नहीं देखता। तुम भूल गई हो देवियों, जब उत्तरांचल की मांग लेकर पहाड़ की देवियां दिल्ली आई थी, तब मुजफ्फरपुर के रामपुरा चौराहे पर शील भंग किए थे पुलिस ने उनके। बाद में हल्ला मचा, मुआवजे दिए गए, कोई 50,000, जिसके साथ छेड़खानी हुई, जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे 1,00,000 दिया गया, मुआवजा दे दिया। और गांव वाले कहते थे ये 1,00,000 वाली है, ये 50,000 वाली है। अधिकांश उन महिलाओं ने शिखरों पर चढ़ चढ़ के खाइयों में कूद कूद के आत्महत्या कर ली थी। एक कैसा देश है। स्त्री को संतान नहीं होती तब भी सास लांछन लगाती रहती है, और विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री की संतान स्त्री के कारण नहीं, अगर वो नहीं हो रही है तो इसमें दोष पति के ही अपनी अक्षमता का होता है। युगों युगों तक बांझ बांझ, ये शब्द कितना बुरा है, इसे छोड़ो, भाग गई, ये शब्द कितना बुरा है। स्त्री को स्त्री सबसे ज्यादा त्रास देती। मैं कहीं कथा कर रही थी, राम जी का कृष्ण का जन्म हुआ, झूला झूलाने एक महिला आगे आई तो दूसरी ने धक्का दे दिया। बोली नहीं नहीं नहीं, तू झूला नहीं झूला सकती, तेरे तो बच्चा ही नहीं है, तू तो बांझ है। मुक्ति पाओ छोटी सोच से, मुक्ति पाओ, बाहर आओ इससे। मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया है कि जिस देवी के साथ बलात्कार हुआ होता है और अगली बार जब वो रजस्वला हो जाती है तब वो उतनी ही पवित्र हो जाती है जितनी गंगा मैया पवित्र होती है। ये शास्त्रों का कथन है। उसको उसको हे दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है। इसलिए जो छोड़ दी जाती हैं संतानें, उनको अवैध नजायज अनाथ कहना भी अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं कि विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ भला कैसे हो सकता है। अनाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ। संबंध अवैध होते हैं देवियों, संतानें अवैध नहीं होती, वो तो सनातन की होती हैं, परमात्मा ने जन्मा है उनको। दो जनों के प्यार में तीसरा फूल खिला है, उसे धूल में मत मिलाओ, उसे खिलने दो। अच्छा संस्कार मिलेगा तो वो भी देश समाज के लिए कोई अच्छा सुक्रम सुकृत करने की सामर्थ्य पैदा करेगा। बड़ी व्याकुलता है। और विश्वामित्र ने कह दिया है राम से कि राम, एक वो भक्त था जिसने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया था। प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान पत्थर में से प्रकटे थे ना, और आज भगवान की प्रतीक्षा नहीं परीक्षा है कि वो पत्थर में से भक्त को प्रकट करे। प्रभु के चरण रज, जैसे ही चरण उठाए चरण रज, उस पाषाण पे जब स्पर्श हुई तो श्वेत वस्त्र धारण किए अहल्या का प्राकट्य हो गया। हाथ जोड़कर अश्रुओं को लोचनों से बहाती हुई, चरणों में विनम्रता से जैसे ही पाषाण में से प्रकट हुई है अहल्या, तो भगवान को वंदन किया है, धन्य हुई है। राम जिसकी कुटिया में आ जाए, भला जगत उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है। सर्वमान्य राम की सत्ता, और राम ने धन्य कर दिया अहल्या को, कहा देवी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो देवी।
और भारत की देवी जो मांग सकती है अहल्या ने वही मांगा। एक पत्नी को क्या मन में आएगा, पति का सानिध्य, पति का सहचर्य, जीवन साथी का साथ साथ होना। बहुत बार भारत की देवियां मुझे कहती हैं कि दीदी माँ आशीर्वाद दे दो कि हम अपने पति से पहले संसार से चले जाएं, क्योंकि हम उनके बिना जी नहीं पाएंगी, हम उनके बिना जीवन का अर्थ खो जाएंगे। भारत की नारी है जो सुहागिन रहते ही इस जगत को छोड़ने की कामना करती है।